हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगीराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता क्या होती है और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो देखते हैं, संधारित्र कैपेसिटर क्या है, ये दो चालक प्लेटों का एक ऐसा समायोजन है, ये दो चालक प्लेटों का समायोजन है जिसकी आकृति या आमाप में परिवर्तन किए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना, संधारित्र एक ऐसा कॉम्बिनेशन है दो प्लेटों का, दो चालक प्लेटों का, जिनके आकृति या आकार में परिवर्तन किए बिना उनकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ओके, सो कैपेसिटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ द डिफरेंट ऑफ द शेप ऑफ साइज, व्हाट एवर बी शेप एंड साइज, लाइक दिस ए प्लेट एंड बी प्लेट, व्हिच कैपेसिटेंस कैन बी राइज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। मीन्स कि ये दो कंडक्टिंग प्लेट का एक कॉम्बिनेशन है जिसकी शेप और साइज में बिना चेंज किए हुए इनकी कैपेसिटेंस को राइज किया जा सकता है, कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये दो प्लेट हैं, देखते हैं इसको जब हम प्लस क्यू चार्ज गिवन करेंगे तो इसकी इनसाइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पॉजिटिव की वजह से बी प्लेट की इनसाइड में निगेटिव चार्ज इंडक्शन प्रोसेस यानी प्रेरण क्रिया द्वारा ये विकसित होता है और इस निगेटिव की वजह से आउटर सरफेस पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लेकिन आउटर को हम अर्थ कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो ये इस तरह से बचता है निगेटिव चार्ज। यानी हम इसको अगर सिंपली दिखाना चाहें तो ऐसे शो कर देते हैं, ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, और इसको अर्थ कनेक्टेड दिखाते हैं। ये बीच की डिस्टेंस है, यहाँ मीडियम होगा और ये प्लेट का एरिया होगा ऐसे जो शो किया गया है ए ए, ये है एरिया यानी क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये होगा, तो संधारित्र क्या है, दो चालक प्लेटों का समायोजन। ये कैसी प्लेटें हैं, चालक प्लेटें, कंडक्टिंग प्लेट्स, तो संधारित्र दो चालकी प्लेटों का एक समायोजन है जिसकी आकृति जिनकी आकृति या आमाप में परिवर्तन किए बिना उनकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट व्हिच कैपेसिटेंस कैन बी राइज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। ओके, सो ये है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन द के ए एंड डी। इस तरीके से कैपेसिटर यानी संधारित्र की जो धारिता होती है परावैद्युतांक के समानुपाती, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये होता है, अब हम डिस्कस करेंगे यहां पर कि अगर हम इसके बीच में कैपेसिटर के बीच में कोई मटेरियल प्लेट लगाते हैं, पदार्थ की कोई माध्यम की प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रवेश करा देते हैं, तो धारिता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है ना, संधारित्र की प्लेटों के बीच यदि कोई परावैद्युत पट्टी रख दें तो धारिता क्यों बढ़ जाती है। व्हाई कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन एनी मटेरियल प्लेट इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिएगा, ये कैपेसिटर है और इस तरीके से होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से अटैच होगा यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। इन पॉइंट पर प्लेटों की ये फील्ड कुछ इस तरीके से हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ द चार्ज, आवेश की कमी हो जाती है किनारों पर प्लेट के, इसलिए उसकी तीव्रता उतनी प्रबल नहीं रहती, इसलिए थोड़ी सी ये मुड़ जाती है। ओके, इसे ही उपांत प्रभाव भी बोलते हैं, यानी किनारों पर प्लेटों के किनारों पर आवेश की मात्रा घटने से तीव्रता की प्रबलता घट जाती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ मुड़ जाती हैं, इसे ही उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, माना ये E1 की वैल्यू
100 ई है और ए से बी की तरफ है। अब हमने क्या किया कि इनकी प्लेटों के बीच में हमने एक मटेरियल प्लेट और रख दी, इसकी डी डैश थिकनेस है, तो ये प्लस चार्ज था, ये माइनस। तो देखिएगा इस प्लस की वजह से यहाँ माइनस और ये माइनस की वजह से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसमें कितनी फील्ड डेवलप हो जाएगी, इसमें प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है एन, तो ये आ जाएगी इधर को, मान लेते हैं ये ई टू हो जाएगी, माना ये ई टू की वैल्यू है, कुछ भी होगी लेकिन इससे तो कम ही होगी क्योंकि ये इसी के अंदर है, तो ये वैल्यू तो कम होगी। तो देखिएगा ये जो ई वन है ये 100 ई है और ए टू भी है, और ई टू की जो वैल्यू है वो हमने 10 ई मान लिया है, कम होगी, और ये कैसे है बी टू यानी उल्टा है, तो ई नेट क्या हो जाएगी ई वन माइनस ई टू यानी 90 ई। तो जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगी इस प्लेट को रखने से वो इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, देखिए ये क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी, ई नेट की जो वैल्यू है लेस देन हो जाएगी पहले वाली फील्ड से। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब हम कोई परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो तीव्रता क्या हो जाती है घट जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज, दस ई इक्वल टू वी बाई डी ऐसा होता है। तो इससे हम कह सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और वी घटेगा डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, और v इक्वल टू q बाई सी मीन्स v इनवर्सली प्रोपोर्शनल c। तो जब v घटेगा डिक्रीज करेगा तो c क्या होगा बढ़ेगी यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, यही वजह है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। तो ध्यान दीजिएगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है जब कोई मटेरियल प्लेट यानी परावैद्युत पट्टी रखते हैं तो तीव्रता इसमें विपरीत उत्पन्न होती है और पहले से कम होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ ई टू भी ई वन से लेस है तो परिणामी तीव्रता घट जाती है, डिक्रीज कर जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के कारण वी भी डिक्रीज करेगा घटेगा, और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी इस वजह से सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये धारिता होती है। अब आइए हम डिस्कस करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये है ए बी, इसके बीच मीडियम के है और ये डी है, और ये प्लेटों का कुछ एरिया होगा ए हमने मान लिया, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, या सी नॉट यानी एयर में जो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगी, क्योंकि एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है वन। तो ये होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब पूर्ण रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो, ठीक है ना, और जब इसमें आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम भरा हो इसका मतलब कि इसकी प्लेटों के बीच में कोई और भी पट्टी रखी है, ये मान लेते हैं कि टी मोटाई की कोई दूसरी प्लेट रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है और इसमें सिर्फ परावैद्युत माध्यम के है बाकी सब जगह एयर है, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा इसका रिजल्टेंट पोटेंशियल अगर देखें तो V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, और ये हो जाएगा ई वन डी वन, और ये हो जाएगा ई टू डी टू वी की वैल्यू। इस फॉर्मूले से यूज करते हैं जहां वन को हम इंडिकेट कर रहे हैं एयर के लिए और टू को इंडिकेट कर रहे हैं मीडियम के लिए, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो इससे C की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के, इस तरीके से होता है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। यहां से अगर ये आप देखेंगे तो
के डी माइनस टी अपॉन टी ऐसे लिख सकते हैं, या इसको सिंपलीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आती है जब आंशिक रूप से भर परावैद्युतांक माध्यम भरा हो, ये हो जाएगा। और इसी से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अगर धारिता निकालना चाहते हैं तो ये देखिएगा, श्रेणी क्रम में लगातार संधारित्र जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है, C1, C2, C3, और समांतर क्रम में इस तरीके से जुड़े होते हैं ऊपर नीचे, C1, C2, C3। तो इनकी धारिता जब श्रेणी क्रम में देखिएगा, Q समान होता है, चार्ज इक्वल, ठीक है, V भिन्न होता है, और इसी का उल्टा, इसमें Q भिन्न भिन्न होता है, V समान होता है। यानी जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो प्रत्येक संधारित्र पर विभव समान होगा, वोल्टेज, ठीक है, लेकिन चार्ज डिफरेंट डिफरेंट होगा, और इसमें यह होता है। तो इसकी कैपेसिटेंस आ जाती है सीरीज के लिए 1/C1, 1/C2, 1/C3, और C पैरेलल आ जाता है C1 प्लस C2 प्लस C3 समांतर क्रम में, ठीक है ना। ये ऐसे हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर दो संधारित्र की बात करेंगे, C1 और C2 है, ठीक है, जिनकी धारिताएं बराबर हैं, तो 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। यानी आप देखिएगा C1 C2 से CS इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 रख सकते हैं, और यहां पर वैल्यू C और C रख देंगे तो ये आ जाएगा C/2। यानी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, दो समान संधारित्र की धारिता वाले ये संधारित्र हैं, इक्वल कैपेसिटेंस वाले, तो जितनी एक की है उसकी हाफ हो जाएगी सीरीज में। और अगर पैरेलल में देखें तो ऐसे कनेक्ट होंगे ये C1 और C2, और C1 C2 इक्वल है तो CP डबल हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली आपको आंसर सॉल्व करने की ये ट्रिक है, जिसमें सीरीज और पैरेलल की कैपेसिटेंस सॉल्व कर सकते हैं।